You say that I'm psychotic, but then you like it like that. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो ये आज का जो मैं डाइट लेकर आई हूँ, बहुत ही लो बजट एंड घरेलू डाइट है। इसके लिए कोई भी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ की ज़रूरत नहीं है, घर में रखे सामानों से आराम से बना सकते हो आप। तो सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले फ्रेश होने के बाद मैंने लिया था 2 कप लुक वार्म वाटर। आप 2 से 3 कप आराम से पी सकते हो, अच्छा होगा ये। उसके बाद नाश्ते में लिया था मैंने एक सूजी का चीला, जिसमें मैंने सूजी को दही के साथ अच्छा सा बैटर बना लिया था। उसमें ढेर सारे वेजीज मैंने डाल दिए थे, थोड़ा सॉल्ट डाला था और इसका अच्छा सा एक चीला बनके, हेल्दी सा चीला बनके तैयार हो गया था। साथ में थी ग्रीन चटनी मिंट और धनिया की और थोड़ा सा खजूर का अचार। उसके बाद मैंने लिया था 1/2 कप चाय, जो मैं पीती हूँ चाय विदाउट शुगर। एंड उसके बाद मिड मॉर्निंग में लिया था मैंने 1 एप्पल और ग्रीन टी। अच्छा जी, एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, आपको ना अपना वाटर इनटेक कम से कम 3 से 4 लीटर रखना ही रखना है। आप कोशिश करो कि नाश्ता से पहले 1 लीटर पानी आप कंज्यूम कर लो, उसके बाद पूरे दिन धीरे धीरे आप 3 लीटर पानी पीते रहो। उसके बाद लंच में बनाया था मैंने वेजी राइस, जो मैंने ढेर सारे वेजीज जो होता है वो मैंने डाल के बनाया था। 1 चम्मच घी में थोड़ा सा जीरा डाल दिया था और गोभी मटर आलू जो भी था मेरे पास, बीन्स टमाटर सारा डाल के मैंने हल्का सा हल्दी नमक डाल के इसको सौते कर लिया था थोड़ा सा। एंड उसके बाद मैंने जो ब्राउन राइस अच्छे से धो के वॉश करके इसको सोक करके डाला था, वो उसमें ऐड किया था मैंने। ब्राउन राइस को थोड़ा सा ये हार्ड होता है ना, तो और राइस के अकॉर्डिंग तो इसको थोड़ा सोक करना पड़ता है एंड इसमें विसल भी थोड़ा ज़्यादा लगा पड़ता है। तो ये राइस मेरा सोख हो गया था एंड अभी मैं इसको वेजीज में ऐड कर दूंगी और उसको ज़्यादा चलाना नहीं है वरना ये टूट जाएगा तो खिचड़ी टाइप बन जाएगी। तो इसलिए आप इसको इसमें वेजीज में ऐड कर दे बस 1-2 बार चला के। और टेस्ट बढ़ाने के लिए आप थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर सकते हो, मैं तो थोड़ा सा बिरयानी मसाला ऐड कर देती हूँ तो मुझे बिरयानी वाली फ्लेवर आने लगती है। इसलिए अब पानी अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप डाल दो, कितने लोग पतले खाते हैं कितने लोग थोड़ा थिक खाना पसंद करते हैं। तो बस कुकर को मैंने कर दिया है बंद, 4 से 5 विसल में इसको आने दूंगी और उसके बाद मेरा यम्मी सा लंच बनके तैयार हो चुका है। आप इसका कलर ही देख सकते हो कितना यम्मी सा लग रहा है। साथ में है मेरी दही रायता वाली एंड सब्जी में बनाया था मैंने भिंडी की भुजिया प्याज वाली है और ढेर सारा सैलड, जो मैं हमेशा बोलती हूँ पहले सैलड खाओ फिर लंच करो। तो ये मेरा बहुत ही टेस्टी बनता है, मेरा बेटा भी आराम से इजी से खा लेता है इसलिए मैं ये बनाती हूँ। अच्छा जी, शाम को मैंने 2 अंजीर सोख करके डाल दिए थे और 4 बादाम थे, अंजीर को सोख करके ही खाए तो ज़्यादा अच्छा होता है ये। और उसके बाद शाम का ये मेरा था, इससे ज़्यादा मुझे भूख थी नहीं, थोड़ा सा मैंने ग्रीन टी ले लिया था। एंड रात को मेरे पास जितने सारे वेजीज पड़े हुए थे ना, रेड येलो एंड ग्रीन कैप्सिकम ब्रोकली पनीर, सबको मैंने अच्छे से सौते कर लिया था 1 चम्मच ऑलिव ऑयल के साथ, ओनली ब्लैक पेपर डाल के। चिली फ्लेक्स मेरे पास ख़त्म था इसलिए मैंने नहीं डाला था, आप उसमें ऐड कर सकते हो। एंड नमक मैंने नहीं डाला था। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप अपना डिनर जो है वो आप अपना 8 बजे से पहले अगर ख़त्म कर लेते हो तो बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा इसका वेट लूज में। एंड रात को मैंने लिया था जीरा वाटर। कैसा लगा मेरा आज का ये डाइट प्लान बताइएगा जरूर। थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक।